लेट्स स्टार्ट क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस फ्रॉम वेयर वी लीव इन प्रीवियस क्लास। सो आइए दोस्तों चालू करते हैं कक्षा 8 एनसीईआरटी, जहां पिछली वीडियो में खत्म किया था। दो दीज एनिमल्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज एंड डेवलप इंटू न्यू इंडिविजुअल्स। यद्यपि ये जंतु सैकड़ों अंडे देते हैं तथा लाखों शुक्राणु निर्मोचित करते हैं, ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज एंड डेवलप इंटू न्यू इंडिविजुअल, सारे अंडे का निषेचन नहीं होता और ये और वह नया जीव नहीं बन पाते। जो ये जो मैंने ऊपर आपको जितने भी जंतुओं के बारे में बताया था, ये जो हैं बहुत सारे अंडे देते हैं, सैकड़ों यानी बहुत सारे अंडे देते हैं और बहुत सारे तथा लाखों शुक्राणु एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, और बहुत सारे स्पर्म्स लाखों मिलियंस का मतलब लाखों स्पर्म्स रिलीज करते हैं ये पानी के अंदर। ये जो मैंने एनिमल्स बताए थे कल, एक्वेटिक एनिमल, फिश, स्टार फिश और फ्रॉग, ये सब क्या हैं, ये सब बहुत सारे अंडे पानी में देते हैं और बहुत सारे लाखों स्पर्म्स ये पानी में रिलीज करते हैं। दिस इज बिकॉज द एग एंड स्पर्म्स गेट एक्सपोज टू वाटर, और फिर ये क्या होता है, बहुत सारे अंडे रिलीज करते हैं, ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज, और जितने ये अंडे रिलीज करते हैं तो ये सब फर्टिलाइज नहीं होते, इन सब का निषेचन नहीं होता एंड डेवलप इंटू न्यू इंडिविजुअल, और वह नया जीव नहीं बन पाते। एंड डेवलप इंटू न्यू, डू नॉट गेट फर्टिलाइज एंड डेवलप इंटू न्यू इंडिविजुअल, और ना ही वो क्या नहीं बन पाते, नया इंडिविजुअल, नया जीव नहीं बन पाते, मतलब नया यंग वंश नहीं हो पाते। दिस इज बिकॉज द एग एंड स्पर्म गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, विंड एंड रेनफॉल। इसका कारण यह है कि अंडे एवं शुक्राणु निरंतर जल की गति, वायु एवं वर्षा से प्रभावित अनावृत होते रहते हैं। इसकी कारण यह है, जो अंडे होते हैं और स्पर्म्स होते हैं वो किससे, पानी का सामना करना पड़ता है उन्हें, और हवा का, जो पानी बहुत तेज बह रहा होता है, हवा का सामना करना पड़ता है और बारिश का सामना करना पड़ता है, तो इन सब की वजह से ये जो हैं सारे के सारे सबका फर्टिलाइजेशन नहीं होता, निषेचन नहीं होता। ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच मे फीड ऑन एग्स, तालाब में दूसरे ऐसे जंतु भी होते हैं जो इन अंडों का भोजन करते हैं, जो इन्हें खाते हैं, मतलब जो इन अंडों को खाते हैं, बहुत सारे ऐसे तालाब के अंदर क्या होते हैं, जीव होते हैं जो इन्हें खाते हैं, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जंतु बहुत सारे होते हैं। दस प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ एग एंड स्पर्म्स इज नेसेसरी टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन और एटलीस्ट अ फ्यू ऑफ देम। अंत अंड कोशिकाओं एवं शुक्राणुओं की बड़ी संख्या में उत्पन्न होना आवश्यक है ताकि उनमें से कुछ में निषेचन सुनिश्चित किया जा सके। बहुत सारे अंडों का जो है वो होना ज़रूरी है, अंड और शुक्राणुओं की बड़ी संख्या में उत्पन्न, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा नंबर्स में, क्वांटिटी में इसका प्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है, अंडों का पैदावार होनी बहुत ज़रूरी है। एंड स्पर्म्स इज नेसेसरी टू इंश्योर फर्टिलाइजेशन फॉर एटलीस्ट अ फ्यू एट देम, और जो है अंडों का और स्पर्म्स का, ताकि फर्टिलाइजेशन होता रहे ऑफ एटलीस्ट कुछ का फर्टिलाइजेशन हो जाए, ताकि कुछ का फर्टिलाइजेशन हो जाए, इस वजह से इनका बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडों का और स्पर्म्स का प्रोडक्शन पैदावार होनी बहुत ज़रूरी है। इन्हें रिलीज करना इसलिए ज़रूरी होता है पानी में, मेंढक को या फिर फिश को, मच्छी को, इन्हें बहुत सारे स्पर्म्स रिलीज करने करते हैं ये लोग अपने पानी के अंदर, और मच्छी, मेंढक मच्छी जैसे, तो और बहुत सारे एग्स पानी में रिलीज करती हैं ताकि उनमें से कुछ जो हवा की वजह से बेकार हो जाते हैं, कुछ बारिश की वजह से, कुछ बहुत तेज़ पानी का बहाव आता है तो उसमें बह जाते हैं इनके अंडे, इनके स्पर्म्स, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको रिलीज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये इसकी प्रोडक्शन करते हैं इसलिए इनका मगर इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो निषेचन होता है, तो वो कुछ का ही हो पाता है, जितने ये रिलीज़ करते हैं उसके मुकाबले बहुत कम का होता है, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इसकी वजह से, या फिर उन्हें उन पर कोई शिकार कर लेता है, उन अंडों को कोई खा लेता है, जो पानी में जंतु जो रहते हैं उन्हें वो जंतु इन्हें खा लेते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सो लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू डू नॉट मिस एन अपडेट ऑफ एनी एजुकेशनल वीडियो ऑफ फ्री वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन।